आपको जो करता देखेंगे वो वही करेंगे, याद रखना। एक बार एक पिता थे, वो छोटा सा लड़का उनका, उसको गोद में बिठाकर अच्छी अच्छी बातें बता रहे। हर माँ बाप करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, कहानियां सुनाते हैं। तो वो सिखा रहे हैं कि बेटा कभी चोरी नहीं करना, कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि कोई देखे ना देखे भगवान देखता है और वो सजा देता है। तो बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा है, ठीक है। कुछ दिनों बाद उस गांव में थोड़ी सी खाने पीने की दिक्कत आई, खेती इत्यादि नहीं हो रही थी। तो वो दूसरे गांव में जाते हैं पिता और वो पुत्र। तो एक अच्छा खेत दिखता है जिसमें अनाज है। तो उसने अपने बच्चे से कहा कि तुम रास्ते पर खड़े रहो, मैं यहाँ से कुछ अनाज ले लेता हूँ, कोई आए या कोई देखे तो मुझे आवाज लगाना। उसने कहा ठीक है। वो जैसे ही अपने पिता को चुराते हुए देखता है कि वो जोर से चिल्लाता है, पिताजी रुकिए, पिताजी रुकिए, पिताजी रुकिए। पिता ने कहा कि क्या हुआ, किसी ने देखा? बोले हाँ। बोले किसने? बोले भगवान। अब चलिए, ये तो बच्चा थोड़ा समझदार था, या ये कहे भोला था। इसने उस सीख को सामने रख दिया। पर आजकल के बच्चे होंगे तो वो क्या करेंगे, वो समझ जाएंगे कि मुझे जो सीख दी गई थी वो कोई काम की नहीं थी। अगर ये कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूं, मतलब करने में कोई गलती नहीं है ना, जब यही कर रहे हैं। इन्होंने मुझे मना किया था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, खुद ही झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वो तो बच्चा है, वो क्या समझेगा कि आप छोटा झूठ बोल रहे हैं या इस झूठ का कोई मतलब नहीं। क्योंकि हम, जैसा मैंने कहा, बेमतलब के झूठ बोलते हैं, छोटी बातों पे कि अरे पहुंचे नहीं तो झूठ बोल दिया। तो उसको ये समझ नहीं है, ये जो झूठ आप बोल भी रहे हैं तो वो कोई शायद मायने नहीं रखता, पर उसको ये समझ आ गया कि झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोलना गलत नहीं है। तो आपको लग सकता है कि वो आपको देख नहीं रहा, क्योंकि देखिए आप बोलते क्या है वो फर्क नहीं पड़ता। एक माता अपने बच्चे के साथ मेट्रो में जा रही थी, तो वो छोटा बच्चा किताब पढ़ रहा था और बाकी सारे बच्चों के हाथ में फोन है। छोटे छोटे बच्चे आजकल दिन भर फोन, गेम, आईपैड यही चलता है उनके हाथों में। तो जितनी भी माताएं थी बाकी बच्चों के साथ, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई क्या। तो वो जाती है उस माता के पास कि भाई तुमने कैसे सिखाया, हमारा तो नहीं मान रहा, दिन भर उसको फोन चाहिए हाथ में, तो तुमने क्या बोला उसको कि वो किताब लेकर बैठा है। माता ने कहा मैंने कुछ बोला नहीं। बोले क्या किया फिर? बोले मैं भी किताब लेकर ही बैठती हूँ उसके सामने, जो वो देखता है वही वो करता है। तो आप कितना ही बोल लो ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं सुनेगा। आप जो करेंगे वो देखेंगे। अब राजा परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु हमने सुना है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग है, नरक है, तो ये है या सिर्फ डराने को? सुखदेव जी कहते जरूर है। तो बोले कैसे है, क्या है, वहां क्या होता है? सुखदेव जी कहते हैं कि आपके पुण्य के अनुसार या पाप के अनुसार आपको स्थान दिया जाता है, और वो भी समय के हिसाब से, कि आपने जितना समय का पुण्य किया है उतनी देर के लिए आपको स्वर्ग में रखा जाएगा और उतनी इच्छाएं पूरी की जाएगी। स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी होती है, आपको जो चाहिए आपको वो मिलता है, कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है वहां। नरक में क्या होता है? बोले नरक एक दो नहीं, कुल 28 नरक लोक है। कितने? 28। वहां क्या होता है? बोले पाप के अनुसार दंड दिया जाता है। जैसे राजा परीक्षित पूछते हैं, तो सुखदेव जी बताते हैं कुछ दंडों के बारे में। आइए आपको भी थोड़ा बताते हैं, उदाहरण स्वरूप बता रही हूं मैं, असल दंड नहीं बता रही, क्योंकि जो असल दंड बताए गए थे वो सुन के राजा परीक्षित डर गए। सोचिए तो जिसने अपने जीवन में एक पाप किया और उसकी भी सजा मिल गई, 7 दिनों में मृत्यु है, जब वो डर गए तो हम और आप तो कितना डर जाए।
तो मैं उदाहरण स्वरूप बता रही हूं कि मान लीजिए ये आपके घर में जो डस्टिंग करते हैं, डस्टिंग माने जो सिर्फ धूल हटाते हैं, जो डस्टिंग करते हैं उसका कपड़ा है, उसको कैसे साफ करोगे? धोके, थोड़ा पानी से धोके वो साफ हो जाएगा। अब मान लीजिए घर के पोछे का कपड़ा है जिसे पोछा लगाते हैं, उसको कैसे साफ करेंगे? साबुन से पानी में डालेंगे, थोड़ा साबुन लगाएंगे, ब्रश से थोड़ा निचोड़ेंगे, तब जाके वो साफ होगा। अब मान लीजिए रसोई घर के जो रसोई घर है उसका कपड़ा है जिसमें तेल की चिकनाई है, उसको कैसे साफ करेंगे? गरम गरम खोलते हुए पानी में डाला जाएगा, कॉस्टिक सोडा इत्यादि डाला जाएगा, खूब कूटनी से पीटा जाएगा, तब जाके वो कपड़ा साफ होगा। तो जैसा कपड़ा वैसी सफाई, जैसे पाप वैसा दंड।